अरब सागर में आए विनाशकारी चक्रवाती तूफान तुकाते ने अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ दिए हैं। अरब सागर में डूबे बार्ज P305 शिप और उसमें फंसे सैकड़ों लोगों के रेस्क्यू की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बार्ज का मतलब होता है माल लादने वाली या लोगों को ले जाने वाली संकरी नाव। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे डेली बस की इस खास रिपोर्ट में। नेवी द्वारा बार्ज P305 पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आज लगातार चौथे दिन जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बार्ज पर नेवी ने 49 शव बरामद किए हैं, वहीं अब तक कुल 26 लोग लापता हैं। हालांकि अरब सागर में डूबी बार्ज P305 को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तूफान की आशंका थी, पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, अलर्ट कर दिया गया था, तो इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया क्यों नहीं गया। और हैरानी वाली बात यह है कि जब सैकड़ों लोगों की जान पर बन पड़ी थी और तूफान आया हुआ था, ऐसे में उन लोगों को बचाने की जगह जहाज का कैप्टन खुद वहां से भाग निकला। अगर नौसेना टाइम से ना पहुंचते तो सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते। अरब सागर में डूबी बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर के भाई आलम शेख कहते हैं कि तेज हवा के कारण जहाज किसी प्लेटफॉर्म से टकराया और उसमें छेद हो गया। आरोप है कि जहाज के कैप्टन और कंपनी दोनों ने तूफान की चेतावनी की अनदेखी की और 263 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। जहाज के कैप्टन और कंपनी को लोगों को बचाने के लिए शिप को वापस लाना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हद तो तब हो गई जब समुद्र में डूब रहे लोगों ने लाइफ राफ्ट निकाले तो वो भी पंक्चर निकले, और ऐसे में डूबते लोगों को देखते हुए कैप्टन खुद वहां से पेट दिखाकर भाग निकला। बार्ज के चीफ इंजीनियर ने आरोप लगाया कि जब कैप्टन को चेतावनी मिली तो उसने पुल आउट क्यों नहीं किया, सारे बोट आ गए थे, शेल्टर में आप क्यों नहीं आए, मैंने बहुत बार कैप्टन को कहा कि वापस चलो, सेफ नहीं है, तूफान अभी और बढ़ेगा, लेकिन कैप्टन ने मेरी बातों को अनसुना करते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, हवा की रफ्तार 40 से ऊपर नहीं जाएगी। अचानक जब हवा की रफ्तार 100 के ऊपर पहुंच गई तो जहाज के सभी एंकर टूट गए। हवा की वजह से जहाज समुद्र में मौजूद किसी प्लेटफॉर्म से जोर से टकराया और उसमें छेद हो गया, और उसके बाद जहाज का कैप्टन अपने साथियों को मरता छोड़ वहां से भाग निकला। बार्ज P305 शिप मुंबई से 72 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स में खड़ा था। 16 मई की रात को जब तूफान आया तो सबसे पहले इसके सभी 12 एंकर टूट गए। इसकी वजह से जहाज डामाडोल होने लगा। 17 मई को दोपहर 12 बजे तक जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज में सवार 260 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा और 17 मई शाम 5 बजे तक जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अगर तूफान की आशंका थी, अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो भी जहाज को पहले ही सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं पहुंचाया गया।